हेलो इन दी सेंटर सही मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से हमने ट्रेलर में देखा कि आप आई एस ए की स्टडी कर रहे हैं तो रियल आपकी uh, लाइफ में अगर पूछो तो स्टडी को लेकर आपका कैसा नाता था मैं एक्चुअली बहुत अच्छी स्टूडेंट थी लगती नहीं हूँ शायद बट बहुत अच्छी थी uh, लगती हूँ ओके थैंक यू मैं एक टीचर्स थी मैथ्स में टॉपर थी uh, तो मेरा बहुत अच्छा नाता था स्टडीज़ के साथ uh, पर एक्टिंग से प्यार हो गया फिर क्या करें बस अनुपम साहब से भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने देखा है कि यूनिक लव स्टोरी दिखाई गई है क्या कुछ आपके रीजंस है आपने कहा स्क्रिप्ट तो वंडरफुल थी ही फॉर डूइंग दिस प्रोजेक्ट और क्या कुछ रीजंस सब्जेक्ट वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट आई थिंक इट्स द फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हैज कम इन इंडियन सिनेमा एंड आई एम सेइंग इट विद एक्सपीरियंस वेरी गुड एंड आई मस्ट से वन और टू वर्ड्स अबाउट Uh, Ashok, I think uh, he was, he's very pleasant to work with. What you may make a greatest film, but if you if the cast does not enjoy it on the during the making of the film, you don't have great memories. And I think it's important to make memories. So we made great memories. We don't meet very often, but whenever we meet we meet with the great amount of love for each other which we created. So subjectcha or I love working with newcomers. आई लव वर्किंग विद यू कम्स बिकॉज दे गिव देर बेस्ट टेस्ट इनका आप शुरू होने वाला है पहली फिल्म में जो भी इमोशन आप महसूस करते हो आप वो इमोशन दिखाते हो वही इमोशन दुनिया तक पहुंचती है और फिर पूरी जिंदगी निकल जाती है उस इमोशन को कैप्चर करने के लिए जो पहली फिल्म बार में बार पहली बार निकली थी हाँ प्रॉब्लम इनके साथ अब आने वाली है मेरे साथ प्रॉब्लम आने नहीं वाली क्योंकि मैं अनुपम सर को जानता हूँ <laughs> <laughs> मैं जब भी कहीं पे रुकूंगा मैं सर आपके पास आ जाऊंगा पर ah, because... आपको टाइम देना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपके घुटने पकड़ के बैठ जाऊंगा जी <laughs> नहीं इट्स फिल्म इट्स आई हैव नॉट सीन द ट्रेलर बट एक्सपीरियंस ऑफ द तो मुझे ट्रेलर दिखा देना प्लीज सर हाँ बैकबोन ऑफ द मूवी बैकबोन अनुपम जी इज द बैकबोन ऑफ द मूवी बैकबोन सही है तो और से गाने, से गाने कितने अच्छे ना इसके गाने <laughs> वो गाना तो इन्होंने अभी मैंने कल इनको फोन करके पूछा कि वो वाला गाना क्यों नहीं रिलीज कर रहे जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है तो दे हमारा वो ट्रम्प कार्ड है हमने बचा के रखा हुआ एंड द फैक्ट दैट ही कैन सिंग इजीली इट वाज नॉट दैट ही वाज गुरु रंधावा दिस पॉप स्टार दिस कल्चरल आइकॉन और समथिंग लाइक दैट ही 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 वाज देयर टू सॉर्ट ऑफ सिंग एंड हैज हैज एन ईज अबाउट हिज सिंगिंग अ वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी

तो आप कितना टफ कॉम्पिटिशन महसूस कर रहे हैं और आपने अपनी जान फूक दी हमने देखा है कि मतलब आप, आ, मतलब आप गाना भी गा रहे हैं और मतलब भी भी लिखे हैं, किए हैं तो आप कहीं ना कहीं टफ कंपटीशन फेस करेंगे क्या है क्या यार ये क्वेश्चन मेरे लिए होना नहीं चाहिए वैसे <laughs> क्योंकि जिन यार वो सारे सुपर हैं यार और हम सब उनको देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ और मेरा किसी के साथ कंपटीशन है नहीं मैं अपने आप को ही प्रूव करने में लगा हुआ फ्रॉम डे वन जैसे सर ने बोला मैं भी अपना हर दिन ऐसे शुरू करता हूँ जैसे मेरा पहला दिन है काम पे आ, मैं पहली बार लोगों से मिल रहा हूँ पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ पहली बार माइक होल्ड कर रहा हूँ ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं ईजी हो चुका हूँ मैं अनइजी रहना चाहता हूँ सारी लाइफ और आ, मैं चाहता हूँ जितने भी एक्टर्स हैं बॉलीवुड के वो मुझे प्यार करें यार और वो मुझे सपोर्ट करें मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दें और जहाँ तक गाने कंपोज़ करने की बात है आप लोग ही नाराज़ होते हैं अगर मैं खुद गाने इसमें ना गाता या ना लिखता क्योंकि आप कहते फिर लोगों के लिए गाने इतने करे अपनी फिल्म के लिए करानी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है मेरा कंपटीशन अपने साथ है और उसी को मैं रोज़ कम्पीट करूँगा अपने आप को ही थैंक गुरु जैसा आपने अभी कहा कि आपका कॉम्पिटिशन आपके साथ है तो इस कॉम्पिटिशन में आ, कौन विजेता रहा है एक सिंगर या एक एक्टर एक अभी तक तो सिंगर ही विजेता रहा है एक्टर तो भी आएगा तब पता चलेगा विजेता है या नहीं बट मैं अपने मन में जीत चुका हूँ मैं आ, मैं महसूस करता हूँ जब आपको जब आप एक्टिंग कर रहे हो पहली फिल्म कर रहे हो तो जब डायलॉग्स बोल रहे हो आप जब आप इमोशन फील कर रहे हो आपको सेट भी पता चल जाता है कि आपने सही करा है गलत करा है आ, मुझे लगता है मैंने काफ़ी हद तक आ, अपना जो मेरे को जो काम दिया गया था थ्रू आउट द मूवी मैंने अच्छे से निभाया उसको और बाकी मैं एक्टर काफ़ी तगड़ा हूँ आप स्क्रीन पे देख लेना जब आएगी <laughs> क्योंकि मैंने मेहनत भी करी है और साथ साथ जब आपके साथ इतने सीनियर एक्टर्स हों जिन्होंने इंडस्ट्री को चेंज करा है मुझे याद है एक रोल था सीन था जिसमें सर को मैंने डांटना था फिल्म में मैं अंदर शीशे में जा, जा के सोच रहा हूँ यार डांडू के ना डांडू कुछ बोलूं उनको चेंज करवा दें ये रोल वो वाला सीन पर्टिकुलर क्योंकि जब जैसे मेरे साथ कोई भी कॉन्सर्ट पे कोई नया लड़का आके गाना गाएगा उसको लगेगा शायद मेरे को इंप्रेस करने के लिए गा रहा वो तो मेरे को भी लग रहा था कि शायद मुझे सबको इम्प्रेस करना है बट जब मैं सेट पे गया जब मैं सबके साथ गुला मिला तो मुझे ऐसा लगा कि आ, मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है मुझे सिर्फ अपना काम जितना दिया गया वो करना है और सबसे थोड़ा थोड़ा सीख के उस काम को एनहेंस करना है एवरी डे क्योंकि तीस पैंतीस दिन है सेट पे अगर पहले पाँच दिन अच्छे नहीं भी निकले तो आगे वाले दिन अच्छे करता रहूँगा तो मैं इसी कोशिश में रहा हूँ कि मैं हर दिन अपना बेहतर करूँ हर दिन सबसे सीख सीख के आगे बढ़ूँ और आई थिंक वही हुआ है कि आज हमारी मूवी रेडी है और अगर मेरी एक्टिंग सही ना होती तो हम लोग ये रिलीज़ ना ही करते मुझे लग रहा है बट मैंने सही करा मुझे लग रहा है थैंक यू थैंक यू